हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। वहीं आज यानी 13 मार्च दिन शनिवार को शनैश्चरी अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय किए जाते हैं। ऐसा करने से जातक को शनि दोष से मुक्ति प्राप्त होती है, साथ ही शनि महाराज की कृपा भी मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शनिदेव की विधिवत पूजा की जाती है, साथ ही कुछ उपाय भी किए जाने चाहिए जिससे जातक को शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। तो आज हम अपने इस रिपोर्ट में आपको शनैश्चरी अमावस्या के दिन शनिदेव से जुड़े उपाय बताने जा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं शनैश्चरी अमावस्या से जुड़े उपाय क्या हैं। आपको बता दें कि शनैश्चरी अमावस्या के दिन अपनी इच्छा अनुसार उड़द दाल की खिचड़ी दान करनी चाहिए। इस दिन तिल से बने हुए पकवान गरीबों को दान देना चाहिए। इस दिन अगर काले रंग के कुत्ते को पाला जाए और उनकी ठीक ढंग से सेवा की जाए तो बहुत ही शुभ होता है। बता दें कि इस दिन शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इस दिन शनि मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, साथ ही इस दिन हनुमान जी की पूजा भी होती है। इससे जातक को विशेष लाभ मिलता है। इस अमावस्या की रात में 8 बादाम ले और 8 जल की डिब्बी ले, इन्हें काले वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। शनैश्चरी अमावस्या के दिन अगर जातक शनि मंत्र, शनि लॉकेट, काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करता है तो यह शुभ माना जाता है। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।